जैसे जन्म तो ही किसी दी मां दी मृत्यु हो जाए तो मां दी ममता तो उस दी झोली वांझी रह जाती है। भावे वो अपनी झोली दे बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हिरदे दी चाहत किसनू कहंदे ने, शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जे छोटा मासूम बच्चा पिता दी होंद तो वांझा रह जाए, साढ़े देश दे ते उसनू यतीम कहंदे ने, बहुत वड्डी घाट उस दे जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भरा नसीब ना होया तो कहिंदे ने इसदे कोल ते बामा ही नहीं ने। आद काल तो साढ़े देश दे विच यह आख्या गया है कि भरा बामा होंदिया ने और मां ठंडियां छावां होंदिया ने। इहड़ियां कहावतां साढ़े देश विच प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भरा तो सखणा मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी दी भैण ना आवे तां वी बराबरी समता किसनू कहिंदे ने, शायद बहुत सारियां अदुत्ती गुणा तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए। पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नूं पति नहीं मिल सकिया तो जीवन दा जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो ते सारी रुक जाएगी। वो ते ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बने होवे, सुंदर डाला भी लगी आवन, पत्ते भी बड़े सोने आवन, फूल भी निकले आवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया। तो पत्नी दा रिश्ता, पति दा रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारियां रिश्तियां दी होंद देच कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। एक गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल दा मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नो ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा, शायद वो किताब भरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वरके अपनी बहन दे सामने भी पढ़ नहीं सकदा, शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी दे सामने भी ना खोल सके, पति दे सामने भी ना खोल सके। तो कोई सहेली चाहिदी है, कोई मित्र चाहिदा है। और वाकई ऐसा देखण दे आया है कि जिसनू जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लव्या, उहदे अंदर एक ऐसी गंढ कसी रहिंदी है जिहनू उसनू खोलण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ कहण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ दसण दा मौका ही नहीं मिलिया, और उस गंढ दे च कुछ पाण दा मौका ही नहीं मिलिया। ऐसा मित्र नहीं मिलिया जिस दे कोलों कुछ सूंघ के अपने उस गठड़ी च पांदा ते अपनी गठड़ी दे चों उसनू जो है कुछ देंदा, इस तरीके दा आदान प्रदान करदा। अनंत रिश्तियां दे चों मित्र दी अपनी खासियत है, अपनी अहमियत है। यही कारण है कि भगतां ने इस सारे रिश्ते प्रभु नाल जोड़े, परमात्मा नाल जोड़े। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी किधरे उस अकाल पुरख नूं पिता कहिंदे ने, माता कहिंदे ने, भ्राता कहिंदे ने, सहोदर कहिंदे ने। तां अज दे इस पावन पवित्र श्लोक दे गुरु अर्जन देव जी महाराज उस नूं मित्र कह रहे ने। मित्र लई फारसी दे शब्द है यार, साहिब ते खुले रूप विच कहिंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन
एक करों बेनंती आ तिस मोहन लाल प्यारे हों फिर हों खोजंती आ यार वे प्रे हब्बे सखियां मुँह कही न जियां उस परिपूर्ण परमात्मा नु बार बार यार दे रूप विच मुखातब करना जापदा है इस रिश्ते दी भी अपनी अहमियत है अपनी खासियत है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोहे मित्र ते बहुत कीते कहिंदे ने मित्र कहिंदे ही उस नूं ने जो दिल दी गल दिल दा राज सुन सके ते अपने दिल दे समो सके ते उस दिल दे जख्म दी कोई मरम लग सके कोई दवा लग सके इस वास्ते मित्र दी लोड़ है। भगत कबीर जी महाराज दा कहना है कबीर सब जग हों फिरयो मांगल कंद चढ़ाए कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहिंदा मैं ठोक बजा के हर एक दबुआ वेख ले है हर एक मनुख अपनी गल सुनाना ते चांदा है मेरी सुनना नहीं चांदा मेरे नल सांझ नहीं पाना चांदा। दरअसल दुख सुनाना आसान है पर किसे दा दुख सुनना औखा है। उदे लई बड़ा वड्डा जिगरा चाहिदा है खुला जिगरा चाहिदा है किसे दा दुख सुनन लई। अक्सर ते असी संसार विच ऐसा देखते हैं कि किसे एक दुख दा जिक्र किसे दे अगों करिए ओ सौ दुख दा जिक्र करन लग पैंदा है। असी पंज दुख अपने खोल के रखिए ओ हजारां अगे खोल के रख देंदा है किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भर आया। मैं दुखां दी पंड के दे अगों खोला क्योंकि अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। तो सतगुरु दी बाणी दा फैसला दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास अपने दुखां दी पंड उस दे अगों खोल जो तेरे अगों दुखां दी पंड नहीं खोलदा बल्कि तेरे सारे दुख ले लैंदा अपनी गंढ दे च पा लैंदा अपनी गठड़ी दे च पा लैंदा और तेरी जीवन दी गठड़ी नूं सुखां नाल भर देंदा आनंद नाल भर देंदा। तो सतगुरु इस पावन श्लोक विच कह रहे ने हर लभदो मित्र सुमित्तो मैं लभिया मित्रां विचों महान मित्र सिरमौर मित्र बिदारण कदे न चित्तो जिसने मेरे दिल दी कदी दिल शिकनी नहीं कीती तोड़न दी कोशिश नहीं कीती बिदारण तोड़ना वो मित्र ही की जिहड़ा दिल तोड़ देवे ते दिल दे टुटदे ही मित्रता रहिंदी किथे दोस्ती रहिंदी किथे। दरअसल दोस्ती मित्रता खून का रिश्ता नहीं है भाषा का रिश्ता नहीं है मुल्क का रिश्ता नहीं है जात पात ते मजहब का रिश्ता भी नहीं है दोस्ती ते है ही दिल का रिश्ता मित्रता ते है ही दिल का रिश्ता। तो फिर दिल ही टूट गया ते मित्रता का दी दोस्ती का दी। तो साहब कहते हैं मैं ऐसा दोस्त बनाया है ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कदी दिल शिकनी नहीं की जिसने मेरा कदे दिल नहीं तोड़या बिदारण कदे ना चित्तो जांका अस्थल तोल अमितो। साहिब कहिंदे जिसका अस्थान इतना वड्डा है ना तोलिया जा सकता है ना नापिया जा सकता है बड़ा वड्डा उसका अस्थान उसका ठिकाना जिसनों मनुखी बने हुए पैमाने नाल नापना तोलना गिनना अति कठिन अति कठिन। तो जांका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो मैं उसनु ही अपने जीवन दा सखा बनाया मैं उसनु ही अपना मित्र बनाया और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है जिसने आज तक मेरा दिल नहीं तोड़िया बल्कि मेरे जख्मां नु मरम लगाया है दवा कीती है और मैनु सुख ते आनंद प्रदान कीता है। अप जसन मिटंत सत पुत्र है सिमर तब हृदय गुरमंत्र ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इत्थे फरमान
किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे, अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकदे ने। किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर विच, गली महल्ले विच, हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहिंदे ने उस दौरान अगर घर विच सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहिब कहिंदे घर दा कलंक मिट जांदा है, घर दा अपजस धुल जांदा है, घर दे सारे कलंक नूं उह धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं उह मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है, और यह भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहिंदे रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है ता इन्ना तीन पुत्रां दे चों ही किसे एक नूं जन्म देवी, तीन सुभावां वाले पुत्रां दे चों ही किसे एक नूं या तिन्नां नूं जन्म देवी। जननी जने ता भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूं। जन्म देना है ता ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हिरदा ही भावना नाल भरिया होया नहीं है तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसे भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिदी है। देखदे हां किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि ओ बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है, और लोकी हैरान हो के कहिंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना स्वपन। तो बीज दी अपनी खासियत हो सकती है पर धरती दी भी अपनी महानता है, धरती दा भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इस ते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया वह मिठास नहीं प्राप्त हुई, वह स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज ओही सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी धरती खास नहीं सी, पिता खास है, मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा, या मां महान है पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होए, कितनी महान धरती क्यों ना होए, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। ये परिपूर्ण परमात्मा दा ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनदी है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने दे चाया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनू महान मिल जाए तां वो बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नू बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकां उदाहरण मिलते ने। हर नाखस ते दुष्ट जालम सी पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करदी सी, उसकी कुख तो ही प्रहलाद दा जन्म होया। जे देखिए बीज नू ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नू इतनी महान, इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा कीता है अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आद काल तो साडे संत जन कहिंदे रहे ने, ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नू जन्म दे जो भावना नाल भरे होवे, भगत नू जन्म दे। जननी जने तां भगत जन, ते जे भगत
नहीं पैदा कर सकती तो कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसे दानी नु जन्म दे सकती है, शोम मां नहीं। उंज भी गुरबाणी दा फैसला है, शोम मनुख किरपन बंदा, धन दा चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन दा मालिक नहीं है। सूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सूमे धन राखन को दिया, सोम नो ते धन सिर्फ रखन वास्ते देता है। सोम उसका रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। उनु वर्त नहीं सकता, उस तो सुख नहीं ले सकता, अपने परिवार नु भी सुख नहीं दे सकता, खुद भी आराम नहीं ले सकता। तो फिर धन दा चौकीदार है और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करन लई। ते जिना जिना नु ए सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक दे मुताबिक ए सहूलतां उनां नु देनियां। इस तरह दा बंदे नु दाता कहिंदे ने, फराग दिल कहिंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते ए कहना है, तवंगरी बा दिल अस्त न के बमा। अमीरी किसे दे माल अफसबाब तो नहीं नापनी चाहिए दी, कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहिंदे ए धनवान होण दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल किन्ना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोण दा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहिंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है पर रोटी उसदे कोल अद्धी है, पर गजब दी गल अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नू दे दित्ती। बाबा फरीद कहिंदे ने, अणहोण दा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है कोई ऐसा भगत जगत दे च जो है मिले, जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहिंदे ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर ओ है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, बस उसनु सूरबीर कहते ने। थां थां ते एक दूजे दी पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे ते उस लड़ाई विच जित हासिल करदा रहे, उनु जालम आख्या जा सकदा, सूरबीर नहीं। सूरबीर ओ कि जिथे देखे एक कमजोर है लिताड़िया जा रहा है उदे पक्ष विच खड़ा हो जाए, उसकी बावां दी हिफाजत करे, उदी जान दी हिफाजत दी खातर अपनी जान तक दे दे। जैसे कि इतिहास गवाह है, कश्मीर दे ब्राह्मणा दी बां कमजोर हो गई, वह बां फैला के आए आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वह कमजोर बां पकड़ ली और आख्या, मैं अपनी जान दे देंगा ये बां नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिनां दी पकड़िए सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बां नहीं छोड़ सकदा। इस बां नाल हुण मेरी बां जुड़ गई है, ये बां ते मेरी बां हुण एक मिक। इतिहास गवाह है, किसे ने अपना सिर दे के इस देश दियां कमजोर बाहां नूं मजबूत कीता, महान कीता। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देवे, भगत जिदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहिंदे ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी, ना तू सूरबीर पैदा कर सकी, खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई, एवें फिजूल बच्चे पैदा करके धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने
ते साफ कह देता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। कह खग गए रण में भली बिदसु लहू सुघाव चले अरधंगा। ऐ मां ऐसा लाल ऐसा पुत अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज्जे और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हिरदे दा पैदा कर ते जी तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकदी तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि दे सच दी खातर लड़दियां लड़दियां उदे सैकड़े टुकड़े हो जान तां भी हार ना मने, रोम रोम जख्मी होवे तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर। कह खग में रण में भली बिदसों लहू सो घाव चले अरधंगा, विद दोए पूत जने जननी जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस एही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी वो कीड़े मकोड़िया तो ज्यादा कुछ नहीं होणगे, सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह दिता है, जिन हर हिरदे नाम न बसियो तिन मौत कीजे हर बांझा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्वादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्वादी है, दानी सत्वादी है और सूरबीर सत्वादी है, सत दा पक्ष लेता है। इस तरह दा कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसं मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुरमंत्रण है। जिस तरह घर दा कलंक एक सत्वादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारणे, जप करदे हां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नो संसार सागर तो पार कर देंदा है, कोई दुख उस नो व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवनं हर नाम ध्यावणे, लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे। शरीर दे जो श्वास चल रहे ने इस नु जिंदगी आखदे ने, ते चलदे हुए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनु ही मौत आखते ने। पर ये शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। अध्यात्मक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुक दें अध्यात्मक मौत हो जाती है। साहब कहते मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवनं हर नाम ध्यावणे। श्वास चलदे रहे शरीर दी जिंदगी है, सिमरन चलदा रहे, याद चलदी रहे तो रूहानी जिंदगी है, अध्यात्मक जीवन है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जिनू गोविंद भूल गया है समझ लो मौत है, ते मर गया यही मौत है, केड़ी रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसे दी हो गई है, अध्यात्मक मौत किसे दी हो गई है, तो बाकी दा जीवन एक बोझ होवेगा। चाहे वो शरीरक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, परिवारिक जीवन है, सारे दा सारा उस मनुख ले बोझ होवेगा अगर उस कोल रूहानी जीवन नहीं है, अगर उस दे कोल अध्यात्मक जीवन नहीं है। एक गल वखरी है कि शरीरक मौत हो जाए तो फिर उसे शरीर नो जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मक मौत हो जाए, इस मौत नो फिर जिंदगी दिती जा सकती है, फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवनं हर नाम दे आवणे। अगर हरी नाम दे ध्यान जोड़े आ जाए
सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहते फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर ये अगम्मी जीवन रसदायक जीवन उसनु प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई थां कोई साधन कोई वसीला, तो साहब कहते हां वसीला भी है साधन भी है। लभण साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे, पूर्वले संस्कार होवन पूर्वली प्रालवद होवे ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ए रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ए अध्यात्मक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शरीरक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जांदा है ए लाश है, ए जीवदा जागदा नहीं है। हूबहू धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, इहदे कोल धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखण वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल आर्थिक जीवन नहीं है। अर्थ दी दुनिया विच इसकी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसे तरीके नाल कईआं दी राजनीतिक मौत आउंदे ने, सियाने बंदे कह देंदे ने इह राजनीति विच मर चुके है, उस दुनिया विच इसकी कोई होंद नहीं, इसका कोई नामो निशान नहीं, किसी वक्त जीवदा जागदा सी अज नहीं। तो फौरन इस गल का पता चलता है कि इसते कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मक जीवन नहीं है। साहब कहते ने यह अध्यात्मक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने, ते गुरु की कृपा दे पात्र बने बैठे ने, उत्थों दा माहौल उत्थों दा वातावरण प्रेरित करेगा, उत्थे बैठ के इस जीवन की प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने की गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नु प्राप्त कर लवेगा जिसनु कहिंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन, जीवो नाम सुनी। साहिब कहिंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के।